हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकट चौथ का व्रत किया जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक ने बताया कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी दीर्घायु एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। संकट चौथ पर श्री गणपति जी की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। संकट चौथ को संकट चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश जी संतान के सारे कष्टों को दूर करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी होती है उसको संकष्टि चतुर्थी कहते हैं। संकष्टि चतुर्थी कहते हैं, संकटा चतुर्थी कहते हैं, तिल चतुर्थी कहते हैं, माघी चतुर्थी कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न नामों से इस चतुर्थी को जाना जाता है। ये संकट नाशन गणेश जी का व्रत है। हमारे जीवन में जो बड़े बड़े संकट आते हैं, इन सभी संकटों को दूर करने के लिए यदि व्यक्ति इस संकष्टि चतुर्थी के व्रत को करता है तो उसके बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। माघ मास के चतुर्थी इस बार चतुर्थी का जो व्रत है वो 29 जनवरी को होने जा रहा है। तो 29 जनवरी के दिन माताएं या स्त्रियां इस व्रत को रखेंगी, दिन भर व्रत करेंगी। व्रत करने के बाद सायंकाल में वह गणेश जी का पूजन करेंगी। तो गणेश जी का पूजन करने के बाद चंद्रोदय होने पर चंद्र को अर्घ दे करके इस व्रत को वह पूर्ण करेंगी। यह व्रत पूर्णतः गणेश जी को समर्पित है। दिन भर व्रत रखना चाहिए और सायंकाल के समय विधि विधान के साथ गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी का गणेश अथर्व शीर्ष के द्वारा अभिषेक करें, पूजन करें, मोदकों का उनको भोग लगाएं, तिल के लड्डुओं का उनको भोग लगाएं, गणेश जी की आरती करें, ओम गम गणपते नमः या जो भी मंत्र आपको गणेश जी का आता हो, संकट नाशन गणेश स्तोत्र यदि आपको आता हो, दिन भर जो है गणेश जी के मंत्रों का जप करें, संकट नाशन स्तोत्र का जप करें, पाठ करें, सायंकाल गणेश जी का विधि विधान के साथ पूजन करें। तो पूजन करने के उपरांत जब चंद्रोदय हो तो चंद्र को अर्घ देने के पश्चात इस व्रत को स्त्रियां पूर्ण करती हैं, व्रत को खोलती हैं। इसके साथ ही यह व्रत जो है सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य देने वाला है, संतान की आयु को लंबी करने वाला है, संतान सुख देने वाला है और हमारे जीवन में आने वाले जो बड़े बड़े संकट हैं वह सारे संकट इस संकष्टि चतुर्थी के व्रत को धारण करने से, व्रत को रखने से वह संकट दूर हो जाते हैं।